हेलो फ्रेंड्स, किरण टेक एंड टेस्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे वीडियो के नीचे दिए रेड बटन सब्सक्राइब को दबाएं, साथ ही बेल आइकॉन को भी। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं कच्चे आम की हरी चटनी। आजकल आम का सीजन है, कच्चा आम खूब आ रहा है मार्केट में, तो आप हरी चटनी बहुत तीखी, खट्टी मीठी या फिर हल्की, किसी भी तरह से आप इस चटनी को बना सकते हैं और बहुत दिनों तक आप इसको स्टोर करके खा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं हमने इसके लिए क्या लिया है। मैंने लिए हैं 3 से 4 हरे आम, कच्चे आम जिसको बोलते हैं। इनको मैंने साफ करके धोकर इनकी गुठली निकाल कर काट लिया है। 2 से 3 मीडियम साइज प्याज लेने हैं, थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च 3 से 4 हरी मिर्च लें, नमक 1/4 चम्मच 1.4 चम्मच लिया है मैंने, और आधा चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर। आम को हम थोड़ा बारीक काट कर एक ग्राइंडर जार में या ब्लेंडर जार में डालकर हम इसको चटनी को ग्राइंड करेंगे। फ्रेंड्स इस चटनी को आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मीठा पसंद हो तो आप इसमें थोड़ा सा मीठा ऐड कर सकते हैं, खट्टी मीठी चटनी बन जाएगी। या फिर आप तीखी चटनी पसंद करते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च और लाल मिर्च जितनी आपको पसंद हो ढेर सारी आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको तीखापन पसंद हो तो आप इसमें धनिया भी और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। कि हरी चटनी आप जिस तरह से इमली की बनाते हैं या धनिए की बनाते हैं, धनिया पुदीना की बनाते हैं जिसमें हम नींबू वगैरह डालते हैं, सेम उसी तरह से ये चटनी बनेगी। और उसी इसमें लेकिन इसमें टेस्ट जो है आम का वो बहुत ही डिफरेंट और बहुत अच्छा होता है। तो आप इसको बनाकर किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं और बनाकर रख सकते हैं। तो मैंने सभी चीज़ों को बारीक काट कर ब्लेंडर जार में डाल लिया, चॉपर में, और इसको बिल्कुल बारीक हम पीस लेंगे। ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, अगर ये ड्राई ग्राइंड हो जाता है तो वो बेटर है, अगर नहीं होता है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। कच्चे आम की चटनी आप कई तरह से बना सकते हैं। मैंने एक वीडियो पहले अभी डाला है, उसको मैंने चटनी को पका कर बनाया था। वो जो आप खट्टी मीठी चटनी होती है, आप उस चटनी को भी बहुत दिनों तक यानी कि कई महीनों तक आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं, और उस खट्टी मीठी चटनी को भी आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। उसके अंदर जो हम अचार वाले मसाले ऐड करते हैं उनका टेस्ट जो है उसमें बहुत ही अच्छा आता है। और ये चटनी ऐसी है जिसको आप इंस्टेंट बना सकते हैं, 2 मिनट के अंदर ये चटनी आपकी तैयार हो जाती है और आप इसको कभी भी बना सकते हैं। जब आपके पास अभी कच्चा आम अवेलेबल है तो आप इसको बनाकर रखिए जार में, किसी भी कांच के जार में इसको स्टोर कर लीजिए और इसको फ्रिज में रखें आप, तो कई दिन तक आपकी खाने के लिए स्टोर रहेगी और बिल्कुल सेफ रहेगी। लेकिन इसको फ्रिज में ज़रूर रखें, बाहर रखने पर थोड़ा सा ऑनियन का जो टेस्ट है वो गर्मी के मौसम में चेंज हो जाता है। तो फ्रेंड्स रेडी है हमारी चटनी, कच्चे आम की तीखी ग्रीन चटनी, हरी चटनी। आप चाहें तो इसमें इस टाइम पर शुगर इसमें ऐड कर सकते हैं, पिसी हुई चीनी थोड़ी सी मिला लें या फिर आप इसमें शक्कर भी मिला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे दिए रेड बटन सब्सक्राइब को दबाएँ, साथ ही बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स।